मर्यादा का मान बढ़ाने। राम को राजनीति का विषय बना दिया जाता है, लेकिन राम कितने प्रासंगिक हैं। मैं एक छोटा दो बंद का गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, सुने। उनकी बहन यहाँ विवाहित हुई है, शांता, राम की बहन। इसी मैं इस धरती पर, पावन पुनीत धरती पर यदि पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सबकी तालियां मैं अवध से आई हूँ, अवध तक लेकर जाऊंगी। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। मर्यादा का मान बढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुंचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, यानी बुनकर ताने बाने, बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सफल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रवि कुल भूषण दशरथ नंदन, सरयू का तट तुम्हें बुलाता, दावानल घिर सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, उनके यही कुकृत्य देखकर चीख रही है भारत माता, अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्पना अधूरी है, पुनः शिला बन गई अहिल्या यह कैसी मजबूरी है, कुछ काल्पनिक बता दे तुमको अतः बढ़ रही दूरी है, स्वर्णिम प्रात संदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है, क्या तुमने संताप सहे, क्या तुमने संताप सहे, बतलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी। अच्छा है। इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, लेकिन विडंबना देखिए। जाति पंथ कुनबे उभरे हैं, जाति पंथ कुनबे उभरे हैं, अगड़े पिछड़े के झगड़े हैं, चौबारों से गलियारों तक बिखरे संचित मूल्य खड़े हैं, कुर्सी सिंहासन बन बैठी आपस में संबंध लड़े हैं, कोई किसी का नहीं जगत में अपनी जिद पर सभी अड़े हैं, राम तुम्हारा नाम बहुत है, तुम चाहो तो झोली भर दो, दुर्भावों को बंदी करके सद्भावों की वर्षा कर दो, त्राहिमाम प्रभु पाहिमाम प्रभु, काम कठिन पर सारा कर दो, किसी भांति हे ना कृपा कर, धरती से अंधियारा हर लो, चाहत के दुर्गम जंगल हैं, यहाँ काल्पनिक हवा महल हैं, जिन पर था कर्तव्य कृपा का वही बांटने लगे गरल हैं, जिन पर था कर्तव्य कृपा का वही बांटने लगे गरल हैं, लतपत रक्त रंजिता कब तक भार सहेगी भारत माता, क्या तुम भूल गए हो भगवन त्रेता से कलयुग का नाता, उपदेशों से नहीं सुनेगा मानव अति मगरूरी है, दर्प दूर कर उचित मार्ग दिखलाना बहुत जरूरी है, लोहित हुई दिशाओं को सहलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी। बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लूंगी। भगवान श्री राम की बहन का ब्याह यदि इस धरती पर हुआ है, तो मैं यदि उनके घर से आई हूं, तो मैं उनके हक की बात करना चाहती हूं। चार पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। आपने यदि कभी सुनी हो, तो इस भाव से सुनिएगा कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए आज प्रत्यक्ष रूप से आप उपस्थित हैं। मुझे आप सबका आशीर्वाद मिले। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। ये मातृशक्ति जो वर्दियों में बैठी है, मैं उन्हें विशेष प्रणाम कर रही हूँ, बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। स्वागत है बेटा। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा, तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां,
जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ, कैसी बेटियां देखो, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। क्या बात है बच्चे, वाह। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उदंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये जलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। और अंतिम छंद आप तक पहुंचा रही हूं, ये कविता तिवारी आप तक कुछ प्रश्न पहुंचा रही है, मुझे ऐसा लगता है इनके उत्तर जब आप तलाशेंगे तो आप अपने घर में बेटी के हर स्वरूप का सम्मान करेंगे। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता।